एक्चुअली आई वो एक्चुअली अरे बोलना क्या एक्चुअली आई मित्तल और मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है एक डील मुझे ये घर उनके नाम करना है अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो 6 महीने में वो मुझे डिवोर्स दे देंगे वो ये चौल को तुड़वा कर कोई होटल वोटल बनाना चाहते हैं देवा अरे तू तू पागल हो गई क्या तूने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया और तूने तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मित्तल ने तेरे सामने ऐसी शर्त रखी है बोलना तूने मुझे बताया क्यों नहीं तू जानती है ना मुझे पहले से ये सारा ऐशोआराम चाहिए अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करती तो ये सब मुझे कहाँ मिलता महारानी की तरह जी रही हूँ मैं और फिर तेरे लिए भी तो ये सारे गिफ्ट्स वगैरह अगर मैंने ऐसा नहीं किया आई तो ये सब हमारे हाथ से चला जाएगा अरे छिन जाने दे मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट तू पागल हो गई है क्या अरे तू सोच भी कैसे सकती है आई इन पेपर्स पर साइन करेगी और आई इन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करने वाली है और तू आई की छोड़ तेरे बाबा को अगर इस बात की भनक भी लगे ना तो तुझे तो बाद में मुझे पहले घर से निकाल देंगे मैंने ना ऐसा करने की गलती की थी और उसकी सजा भी भुगत चुकी हूँ अब नहीं होगा मुझसे हम आजी और बाबा तक की बात पहुँचने ही नहीं देंगे ना आई देख एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है अगर तू ही ऐसा करेगी तो मैं किसके पास जाऊंगी और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो आजी से ये घर छीन रहे वो आजी को बदले में एक नया घर और कुछ पैसे भी दे देंगे देखकर एक तरफ ये सड़ा हुआ सा पुराना घर और एक तरफ वो सारा ऐश्वर्य तू ही सोच तू क्या चूज करेगी मुझे नहीं पता मैं क्या चूज करूंगी मेरा दिमाग घूमने लगा है पुन्नी तेरी इन बातों ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया तू ये सब छोड़ तू ना अभी सबसे पहले जाकर अर्जु को हॉस्पिटल में मिल तू उसको जाकर मिल अरे आए आज नहीं आज मेरा मूड नहीं है मैं कल चली जाऊंगी कल जाऊंगी तू आज या कल तुझे जब जाना हो तू जा लेकिन तू जाकर मिल तुझे अपना ही काम करवाना है ना तू सबके सामने अच्छी बनी रहे मुझे मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली तू मुझे सोचने का वक्त क्या हुआ कहाँ है विष्णु कहीं उसने जीजू को कुछ नहीं नहीं मानव देशमुख को कुछ नहीं हुआ लेकिन हाँ उसकी बीवी अर्चना देशमुख ताई भाई को क्या हुआ कोमा में पड़ी है ससुरी वो गलती से विष्णु की गोली उसको लग गई भाई को गोली विष्णु के हाथों ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना तुम उस दिन यहाँ पर आकर विष्णु को भड़काते ना वो बंदूक लेकर उन्हें मारने चला जाता और ना ये सब कुछ होता तुम्हारी वजह से ताई कोमा में है क्यों किया है इसने और विष्णु विष्णु कहाँ है कहीं उसे पुलिस ने फिर से हाँ पुलिस ने पकड़ लिया ससुरो ने खामखा उसे जेल में डाल दिया है विष्णु अपने ऊपर गोली चला रहा था अर्चना ने उसका हाथ हिलाया तो गोली अर्चना को लगी आज तुम्हारी वजह से विष्णु जेल में है मैंने तुमसे कहा था उसे रोक लो लेकिन तुमने बस मैं यहाँ तेरे नाटक देखने नहीं आया हूँ तेरे बताने आया हूँ कि विष्णु जेल में है क्यों किया तुमने ऐसे अगर तुम यहाँ पर आकर उसको नहीं भड़काते तो शायद आज हमारा विष्णु बाहर आजाद घूम रहा होता भले हमें छोड़कर चला जाता अर्जुनाई के पास चला जाता लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो अपनी सगी माँ के पास होता मुझे उसका अर्चुताई के पास रहना मंजूर है लेकिन जेल की सलाखों के पीछे नहीं आज तुम्हारी वजह से वो फिर से जेल में चला गया जैसे तुम उसकी जिंदगी में आए हो उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है तुम चले जाओ उसकी जिंदगी से तुम्हारी वजह से जेल के पीछे चला गया वो अरे उसका बुरा वक्त तो तभी शुरू हो गया था जब तू बचपन में लेके उसे भागी थी तू उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण है सबसे बड़ा ग्रहण तू उसे अकेला छोड़ दो मेरे विष्णु को अकेला छोड़ दो हाहाहाहा
ही मैंने सोहम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं नहीं चाहती थी कि सोहम तुझे या फिर मानव जीजू को कोई नुकसान पहुंचाए। मुझे माफ कर दे ताई, मुझे माफ कर दे। इस सब के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, सोहम नहीं। उसे दोष मत दे, उसे दोष मत दे। कहते कि जब हवा का झोंका चेहरे को छूता है ना, तो दो चीजें याद आती हैं, एक इबादत और एक प्यार। तो मैं आपको अपने अपने प्यार का एहसास दे रही हूँ। अर्चना, नहीं अर्चना, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आदत हो गई मुझे तुम्हारी, तुम्हारा मेरे आसपास होना है, मुझसे बातें करना। बहुत मिस करता हूं मैं सब कुछ। जब से तुम चुप हुई हो, जिंदगी जैसे रूठ गई है मुझसे। उठो अर्चना, बातें करो मुझसे। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। अर्चु, आज कौन सी सब्जी बनाने की सोच रही है बेटा? आई तू सोड़ ना, मैं करते है ना, जो कर रही है वो कम नहीं है क्या? और भगवान ने तुझे भी दो ही हाथ दिए, चार नहीं। वैसे मैंने अर्जी लगाई है, जल्दी वो दो हाथ और भेजने वाले हैं। अरे ये सब तुझे अभी करने की क्या जरूरत थी? मैं आ रही थी ना, मैं मदद कर देती तेरी। रुक, मेरी 9:47 की लोकल चली गई, तो अगले आधे घंटे तो कोई फास्ट ट्रेन नहीं है। जल्दी बाय बाय आई, बाय भाई। लेकिन ताई, ताई आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी बात सुनती हूँ, बिकॉज आई लव यू। मुझे पता है मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। देख तेरी ड्रॉर में होगी। और ये मेरी बेटी पूर्वी, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरी जैसी है। आई, तूने मौसी से झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि मैं तेरी बेटी हूँ। तो तू मेरी बेटी नहीं है क्या? कि मेरी पूर्वी को जल्दी से जल्दी एक ऐसा लड़का मिले जो उससे बहुत प्यार करता हो, ताकि मैं अपनी आजी और अपनी आई के साथ खूब सारा वक्त बिता सकूं। Thank you.
कहाँ सोहम, कहाँ हाथ लगा रही हम? नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं। हम तोरे को मारना नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तू इतने। हम जानबूझ के कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए हैं। इतनी कोशिशों के बाद मेरे घर में खुशियां आई है और तुझे लेकर मैं फिर से वो खुशियां बर्बाद करूं? मेरे जिंदा होते हुए तू मेरे घर में कभी पांव नहीं रख सकती। लेकिन अर्जुन, तेरा दिल तो बड़ा है ना, मुझे माफ किया ना बेटा? मैंने आपको माफ किया, मुझे माफ किया तूने। चुआती कैसी है? ठीक है। उन्हें गोली लगी है ये सुनकर मैं तो शॉकी हो गई। कितना बुरा हुआ उनके साथ। आई मीन उनके अपने बेटे ने उन पे गोली चलाई। एनीवे, कहाँ है वो? मैं उन्हें मिल सकती हूँ? नहीं, वो उनकी स्पंजिंग चल रही है। नर्स ने कहा हम थोड़ी देर बाद ही देख सकते हैं उन्हें। अच्छा, वैसे पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार। पहले पूर्वी ने अपना बच्चा खो दिया और अब अर्जु आत्या के साथ ये हादसा। इन सारी बातों में सिर्फ एक बात अच्छी है, तुम्हारी बेटी। कहाँ है वो, मिल सकती है उससे? वो एक्चुअली नीचे पूर्वी के पास है कार में। मुझे लगा ये हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर उसके लिए ठीक नहीं होगा ना, तो मैं पूर्वी के पास उसे छोड़ कर आई। तुम्हारी बेटी पूर्वी के पास? हाँ, मैं और पूर्वी दोनों साथ में ही आए हैं। पहले पूर्वी आई को देखकर गई और अब मैं आई को देखने आई हूँ, इसीलिए मेरी बेटी उसके पास। कमाल है, तुम तो पूर्वी को अपनी दुश्मन समझती थी ना, और अब खुद अपनी बेटी को उसके हवाले कर आए। नहीं, अब हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और बहनें तो ऐसी ही होती है ना, एक दूसरे से चाहे जितना भी लड़ ले पर जब जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है। बहनों का रिश्ता शायद ऐसे ही होता है। हाँ, सही कहा तुमने। बेटा चुप हो जा।
ओह माय गॉड, ये पूर्वी ओवी की बेटी को दूध क्यों पिला रही है? इमा, थकी गई, मरी मारी। तेजू यहाँ पर काम कर रही है, उसकी आई तो हॉस्पिटल में है और हम लोग उसके पास एक काम करवा रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन इसको काम करते हुए रोकू तो रोकू कैसे? क्योंकि अगर इसको रोका तो लता को ऐसा लगेगा कि मैं इसके ऊपर दया दिखा रही हूँ। हे भगवान, क्या करूं? और क्या रही है? खाने के लिए सैलेड बना रही हूँ और वो जो सुबह ढोकले का ऑर्डर आया था तो कोई तैयारी भी शुरू नहीं की है। तो रहने दे, मैं और लता संभाल लेंगे। हल बाहर जा। अरे बाहर जा, मुहूर्त देखेगी, निकल। अरे वाह, ये तो रोने लगी। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? मैं उसको जाके रोपो के पूछ ही लेती हूँ। ए, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या रो क्यों रही है? मैं जानबूझ के किचन में काम कर रही थी ताकि मेरा थोड़ा ध्यान बटे और मुझे मेरी आई की याद ना आए। ये बेटा तेजू, नहीं नहीं नहीं, रड़वानू नहीं। देख बेटा, चिंता मत कर, तेरी आई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। देख, तेरी आई है ना, बहुत अच्छी इंसान है। और एक बात याद रख, भगवान है ना, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही करते है। बेटा इस तरह से रोती नहीं है, हिम्मत रखना चाहिए। देख, बुरा और अच्छा वक्त तो आता जाता रहता है, लेकिन हमें उसका डट के सामना करना चाहिए। भगवान पे भरोसा रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, हमें निकलना। अरे ये तो सो गई, पर इसके तो दूध पीने का टाइम था। अभी लगता है मुझे अब ये सब की आदत डालनी पड़ेगी, शायद जब भूख लगेगी तो खुद ही उठ जाएगी, है ना? नहीं पूर्वी, खुना भी सो रही है, उठ जाएगी। ड्राइवर चलो। अरे यार, आखिर इन दोनों बहनों में चल क्या रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा, दोनों में अचानक इतनी अंडरस्टैंडिंग कहां से आ गई, क्या पता। पूर्वी देखो ना, कितने प्यार से तुम्हारी गोदी में सो रही है। पापा, मेरी नई परीक्षा शुरू हुई है। अपनी बच्ची के इतने करीब रहकर मुझे उससे जुड़ना नहीं है, तन से पास होकर भी मन से अलग रहना है। मुझे अपनी ममता पर काबू रखने की ताकत देना पापा, वरना यही ममता की वजह से एक दिन ओवी को सब कुछ पता चल जाएगा।